Hello dear friends, myself Dr. Shrikant Verma, MBBS MD Anatomy, Director Brainstorming Dhimchika Anatomy. आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे बीच डॉक्टर दीपक पटेल हैं, जिनका हाल ही में रिसेंट एग्जाम DNB में 461 रैंक लगा हुआ है. और सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ये अपने पैशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस को छोड़ते हुए सर्जरी उठा रहे हैं, क्योंकि उनको सर्जरी बहुत ही पसंद है. तो सबसे पहली चीज जो हमको डॉक्टर दीपक से सीखने मिलती है वो है कि हमको लाइफ में अगर कुछ करना है तो अपने पैशन के लिए करना है. तो डॉक्टर दीपक, सबसे पहले यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. मैं वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो जनरली कोई भी स्टूडेंट होता है अपने सिलेक्शन के लिए किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी से पूछता है. तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और किस तरीके से आप एग्जाम में सेलेक्ट हुए वो बाकी स्टूडेंट्स को बताइए. मैंने अपना MBBS अपना UG पंडित जैनम रायपुर से किया है और मेरा ये सेकंड ड्रॉप था. पिछले ड्रॉप में भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, पर मेरा रैंक उसमें 27,000 आया हुआ था और अभी मेरा रैंक 461 है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि आपका कितना रैंक आया था पहले या फिर आपका रैंक टेस्ट में कितना आ रहा है, ये सब कोई चीज़ मैटर नहीं करती. आप अगर चाहें, आप सबसे मेन चीज पे ध्यान दीजिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है. आप अगर अपनी गलती को सुधारते हैं तो आप कोई भी रैंक अचीव कर सकते हैं. आप ये मत सोचिए कि मेरे रैंक इतना आया है तो मैं आगे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. और जैसे मैंने जो गलती की थी पिछले साल कि मैंने थ्योरी को बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत ज्यादा मैं थ्योरी पढ़ता रहता था. मैंने इंडिविजुअल गाइड्स पढ़ी थी तो मैंने MCQ नहीं लगाए थे. तो MCQ नहीं लगाने से ये हुआ सर कि मैं कहीं भी उस अप्लाई नहीं कर पाया. मैं एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गया. और जब क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं, तो बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ MCQ लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सही. यहाँ पर डॉक्टर दीपक ने हमको बहुत अच्छी चीजें बताई. कुछ चीजों को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की. लास्ट टाइम इनका प्लस 20,000 रैंक लगा और इस बार 461. तो पिछली गलतियों से ये निराश नहीं हुए, वहां से हताश नहीं हुए कि नहीं मुझको अब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं. उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा कि पहले वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पीछे जाते थे, पहले वो थ्योरी को बहुत ज्यादा स्टडी करते थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि नहीं, जब MCQ एग्जाम आ रहा है तो हम MCQ का बहुत ज्यादा प्रिपरेशन क्यों ना करें. और इन्होंने फिर अपने वे ऑफ स्टडी को चेंज किया, अपने कमजोरियों को इन्होंने दूर किया. सीधी सी बात है, चिड़िया की आंख. अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी तभी उन्होंने चिड़िया की आंख को निशाना लगा पाया. तो यही बस हमको ध्यान देना है. और अगली चीज कि आप जब ये प्रिपरेशन किए तो आपने कौन सी बुक का फॉलो किया? सर पिछले साल तो मैं इंडिविजुअल गाइड्स लगा था जैसे मैं बताया, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं की है. श्रीकांत सर की एनाटॉमी के अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, तो मैं इंडिविजुअल गाइड्स पढ़ता था. उसके बाद इस साल लास्ट के 3 महीने मैंने PPG ऐप है उसमें से मैंने क्वेश्चंस बनाए थे और टेस्ट दिए थे वो. और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आप कौन सी कोचिंग अटेंड किए हैं, आप कौन से ऐप से क्वेश्चन लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लगा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और हम लोग PPG ऐप और साथ ही साथ मैंने कलाम एक बुक है, कलाम की बुक के पीछे अपेंडिसेस थे मैंने वो पढ़े थे और उसी में मैंने ऐड करते गया था अपना मटेरियल. जो भी मैं क्वेश्चन लगाता था मुझे जो लगता था कि लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए मैं उसी में एडअप करता जाता था और मैंने उसको 5-6 बार रिवाइज किया था और लास्ट के 5 दिन में कम से कम 1 बार पढ़ के गया था. तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था. आप सब हम लोग जो गलती करते हैं ये करते हैं कि हम लोग कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग उसको रिवाइज नहीं करते. हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, इस कोचिंग का भी पढ़ लेते हैं, उस कोचिंग का क्वेश्चन, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे वो कोई भी मतलब नहीं. और आखिरी के 15 दिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा हम लोग ये करते हैं कि आखिरी आते आते ठीक है मेरा हो गया तैयारी और आखिरी में हम लोग छोड़ देते हैं. अगर आखिरी में ही अच्छे से नहीं करेंगे तो वो जो पहले पढ़ा हुआ है वो कोई भी मायने नहीं रखता. तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप लोग एक जगह समराइज करें जिसको आप आखिरी में कम से कम एक बार देख सकें. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डॉक्टर दीपक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजें कही हैं, उसमें से कुछ चीजें कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय कोई बुक मैटर नहीं करता, कोई टीचर मैटर नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता. अगर कुछ चीज मैटर करती है तो वो आप खुद हैं. आप किसी एक चीज को ही फॉलो कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए. रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी, पहली चीज.
दूसरी चीज जो इन्होंने बताई कि हमको टेस्ट बार बार देना है, टेस्ट का आप जितना ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा आप लास्ट टाइम में परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर दीपक आप कोई और बात बच्चों के प्रिपरेशन के लिए बताना चाहेंगे? सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे आप ये मत सोचिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है टेस्ट में, आप कोशिश करें कि हर टेस्ट के साथ आपका रैंक इंप्रूव होना चाहिए। अगर रैंक शुरू में अच्छी नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन इंप्रूव होती जाएगी तो वो अच्छा है। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, कोई देना तो कंप्यूटर पे ही, तो जितना ज्यादा आप बैठेंगे उतनी आदत होगी, उतना टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप एक बार जाके सीधा एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा दे सकते हैं दीजिए और उसको सॉल्व करिए देने के बाद। ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट दे दिया और उसको सॉल्व ही नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्टर दीपक ने यहाँ पर कुछ चीजें कही है, पहला रिविजन, दूसरी चीज जो इन्होंने कही है हमको टेस्ट देना है, तीसरी चीज टेस्ट को सॉल्व करना है, तो ये सही, चौथी चीज आप मैटर करते हैं, कोई दूसरी चीज मैटर नहीं करती, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। आखिरी सवाल डॉक्टर दीपक, आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने परिवार वालों को देना चाहता हूँ, उन्होंने कभी मेरे पे डाउट नहीं किया, हमेशा मेरे पे भरोसा किया है, भले मेरी कितनी भी कोई असफलता हो या फिर उन्होंने कभी मेरे पे डाउट नहीं किया, हमेशा मेरे साथ दिया और आज मेरा जो भी रैंक है आज मेरे परिवार वालों के चलते हैं। और मेरे टीचर्स श्रीकांत सर, आप श्रीकांत सर ने हमको शुरू से मोटिवेट किया, फर्स्ट ईयर में भी हमने सर से पढ़ा था और आज भी सर के गाइडेंस से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और मेरे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मेरा सिलेक्शन हो, उनका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ है, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे जूनियर सीनियर्स सब, सफलता में तो सभी का हाथ होता है सर। नहीं बिल्कुल सही बात कही। तो डॉक्टर दीपक थैंक यू, आपने क्रेडिट में हमको भी इन्वॉल्व किया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ें कहना चाहूँगा, हर सफल आदमी के पीछे सबसे पहला जो हाथ होता है, जैसा डॉक्टर दीपक ने भी कहा, उसके परिवार वालों का होता है, उसके माता पिता का होता है, दोस्तों का होता है, और ये जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चा खुद सेलेक्ट करता है कि उनको किनके बीच रहना है किनको बीच नहीं रहना है। तो दोस्तों का भी इसके पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, इन्होंने थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दिया, लेकिन इसके पीछे जो मेन चीज़ है वो डॉक्टर दीपक की मेहनत है। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि टीचर मैटर नहीं करता, बुक मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो वो आपकी हार्ड वर्क है, वो आप खुद हो। और आखिरी के अभी कुछ महीने बचे हैं तो आप लोग सब लग जाइए, सब चीज छोड़ के लग जाइए, मोबाइल है, यूट्यूब है या जो भी है, इंस्टा फेसबुक सब चलाते हैं, चार महीने नहीं चलाएंगे कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आपकी रैंक आ जाएगी तो सब चीज वही होता है। तो अभी आखिरी का टाइम है, सब चीज छोड़ दीजिए, जो भी लगता है जैसा भी लगता है बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, डॉक्टर दीपक ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, हो सकता है कि आपको ये अच्छी लगी हो और आप कुछ और भी सवाल पूछना चाहते हो तो डॉक्टर दीपक से आप फेसबुक आईडी में जुड़ सकते हैं। आप अपने फेसबुक आईडी का? मेरा आईडी दीपक पटेल नाम से ही है और मैं श्रीकांत सर के मैड हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट वहीं से मुझे ऐड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर दीपक, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आपको जो भी और सवाल पूछने होंगे आप डॉक्टर दीपक से डायरेक्टली फेसबुक में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑन आवर सिंप्लीफाइड मेडिकल एंड मोटिवेशनल वीडियोस।